फोन कर क्यों? वो देखो पानी फ्लो नीचे, ये जो बर्फ पिघलती है ना तो रोड पे बहुत ज्यादा ऐसे पानी इकट्ठा हो जाता है, स्पेशली दोपहर के टाइम। आज है डे टू हमारा, इनफैक्ट डे थ्री, एंड आज हमारी राइड है जैसी कि मैंने आपको कल बताया था। अभी हम जा रहे हैं जिस पास से सरचू, 90 किलोमीटर्स की राइड है। रेडी हो गए, ये पहनने में हालत ख़राब हो जाती है। एंड इसमें हमारे इस राइड में हमें फर्स्ट अभी आएंगी दो लेक्स, सूरज ताल, दीपक ताल, एंड उसके बाद आएगा बालाचा पास, जिसमें लग रहा है कि स्नोफॉल हो सकती है क्योंकि क्लाउडी आ गया आप देखो, एंड पूरा स्नो से कवर्ड है, तो मज़ा आने वाला है। फटाफट सामान रखते क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रखे हैं। चलो, ओह सामान भी तो इतना सारा है हमारा। तो ये सारी हमारी बाइक लाइंड अप हो गई, एंड वी आर रेडी टू लीव सरचू के लिए। यहाँ से जाना है 90 किलोमीटर्स का रास्ता है, सो वी ऑल सेट। अरे भैया गोप्रो भी देख लेते, ठीक से लगा ही नहीं लगा कल, ठीक से नहीं था, तो आज मैंने गोप्रो को उल्टा नीचे की तरफ कर दिया। अब शायद ठीक से ऊपर का भी कैप्चर होएगा। तो अब हम निकल चुके हैं टुवर्ड्स सरचू, जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर्स। अभी यहाँ से डारचा आएगा 7 किलोमीटर्स के बाद, जहाँ पे चेक पोस्ट है, एंड वहाँ पे चेकिंग होगी। ये बंद कर देता हूँ वाइजर क्योंकि हवा लग रही है। तो 7 किलोमीटर के बाद डारचा आएगा जहाँ पे हमारी चेकिंग होगी अभी, एंड जिप भी बंद कर देता हूँ, हवा तेज है। और उसके बाद दीपक ताल, सूरज ताल, दो लेक्स है जो कि सुनने में आएगी जमी हुई है। एंड अब हम यहाँ से क्लाइम करेंगे, पूरा एलिवेशन में जाएंगे एंड हाइट गेन करेंगे। सरचू है 4300 मीटर्स की हाइट पे, बट उससे पहले जो आएगा बालाचा वो है 4980, ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स की हाइट पे। तो ज़्यादा रुकेंगे नहीं, बट पूरा स्नो से कवर्ड है वो। रोड का कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी रोड है, ये सारी BRO ने बनाई है, पूरा लेह तक का हाईवे BRO ने बनाया है, एंड बोलते मक्खन है। 80% रास्ता तो बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा पैच है जो ख़राब है। एंड अभी हमारे मास्टर ने हमें बोला कि अभी बीच में एक छोटी सी रिवर क्रॉसिंग आएगी, तो लेट्स सी, देखते हैं कैसी होगी, एक्साइटमेंट, मज़ा आने वाला है। क्या रास्ते है, क्या नदी है, ये वही है बाघ नदी जो हमारे होटल के पीछे से फ्लो कर रही थी। कितनी सुंदर लग रही है यार, क्या रास्ते है, मज़ा आ गया। उस साइड ही कहीं पे जाना है हमें, बालाचे पास। सनी पीछे बैठे पूछ रहे बार बार अपनी शक्ल क्यों दिख रहा है व्यू मिरर में, तो देखना पड़ता है क्योंकि बीच बीच में थोड़ी सी फाइल करप्ट हो रही थी, तो रिकॉर्ड हो रहे या नहीं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। रिकॉर्ड नहीं हुआ ऐसी जगह तो मज़ा नहीं आएगा, फिर क्या दिखाऊंगा। अब आई थिंक ये वाला ब्रिज हम क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, नहीं बिकॉज सीधा जा रहे सारे, नहीं जा तो रहे, हाँ हम करेंगे। इस ब्रिज का भी कुछ नाम है, विस्की ब्रिज नहीं, वो तो आगे आता है, वो कल के रास्ते में आएगा, बट देखते उसमें शायद लिखा होगा वहाँ पे। नहीं नहीं वो नीचे चला गया ब्रिज, अब हमें सीधे ही जाना है, फिर आई थिंक आगे से उतर के आएंगे फिर जाएंगे। ये रास्ते में काफ़ी सारे ढाबे बने हुए हैं, इस बार मैं देख रहा हूँ बहुत गाड़ी आई है चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली की गाड़ियों में लोग कवर कर रहे हैं लेह लद्दाख, बहुत ज़्यादा गाड़ी आई हुई है। थार अभी अभी दिखी थी, थार में मस्त लोग शूटिंग कर रहे थे। लेह का मज़ा या तो बाइक्स पे या फिर थार में, पर बाइक्स पे कुछ ज़्यादा ही।
दारचा ब्रिज, इस ब्रिज का नाम है दारचा ब्रिज। अब दारचा आ जाएगा जहाँ पे हमारा चेक पोस्ट है। और ये देखो व्यू, ये आगे थार, और ठंड बढ़ रही है, अंधेरा हवा लग रही है। हालांकि हमने इनर पहना है, उसके ऊपर जैकेट पहनी, स्वेटर पहना है, फिर उसके ऊपर जैकेट पहनी है। और ये हमारी जो बाइकिंग जैकेट है, ये वैसे इतनी मोटी है। उस रोड से हम आए थे, अभी जाएंगे सरचो, यहाँ से 77 किलोमीटर्स। तो अभी सनी ने चेक किया, हम 3400 मीटर्स की हाइट पे आ चुके हैं ऑलरेडी क्योंकि दारचा 3400 ही लिखा था उस पर। अभी तक की जर्नी के बेस्ट पार्ट है यहाँ के रोड्स, व्यू तो है ही जो है, व्यू आपका चेंज होते रहता है हर आधे घंटे में, बट जो रोड्स बनाई है मज़ा आ गया चलाने में। मतलब अब इसमें आराम से 60-70, कोई कोई लोग तो 80-90 भी भगा रहे हैं, बट 50-60 में आप आराम से कवर कर सकते हो चला के। अब ये आ गया दारचा चेक पोस्ट, यहाँ साइड पर रुक जाते हैं। अब होगी हमारी चेकिंग, या पता नहीं क्या है, थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलेंगे क्योंकि सारी गाड़ियाँ रुकी हुई तो हैं। लेट्स सी, कभी कभी क्या करते हैं ये ऊपर से आने वाली गाड़ियों के लिए, यहाँ से जाने के लिए अभी थोड़ा सा रोक देते हैं कि जैसे कि वो क्रॉस करे फिर जाए। तो देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा, बिकॉज आई थिंक हो गया है, हमारा मार्शल गया हुआ है जो हमारा टीम कैप्टन है। चल जो हो गया हो गया, चलो निकलो भागो। देखो ये भी दोनों पंजाब की गाड़ियाँ जा रही है, राइट जाके आएगा, सीधा जाके अगर आप सीधा जाते हो तो कारगिल है, जो कि श्रीनगर रूट पे आपको टच करेगा। यहाँ से आप श्रीनगर उस तरफ भी जा सकते हो, आई थिंक जोजिला पास भी उस तरफ पड़ेगा। यहाँ से कारगिल है 480 किलोमीटर्स एंड बारालाचा है 44 किलोमीटर्स। चलो वही निकल पड़े हम बारालाचा की तरफ, हो गया चेक पोस्ट का काम, पेपर्स दे के और जाने दिया, नहीं तो यहाँ पे अगर आपको रोक दें तो वेट करना पड़ता आपको 2-3 घंटे। ओह वाह क्या व्यू है, वो देखो बर्फ के पहाड़, आई थिंक वहीं कहीं जाना है हमें। एक चीज़ अच्छी है, जब आप बाइक्स में जाते हो ना, सारी गाड़ी आपको रुक के देखती है, वेव करती है। कोई कोई लोग तो लाइन से खड़े होकर हमारा वीडियो बना रहे थे, वहाँ मज़ा आता है, अलग ही फिर फील आती है। और ये देखो उनकी कितना नीचे छोड़ा है, हम वहाँ से आए थे अभी, हम नीचे से उस तरफ से। गोप्रो बंद करने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बट डर है कि बैटरी ना ख़त्म हो जाए। एक बैटरी तो मेरी डिस्चार्ज हो गई, जो कि मैंने रूम में रखी थी, चेंज कर लिया था फटाफट सुबह मैंने। मैं 3 बैटरी लेके आया हूँ जिसमें से एक डिस्चार्ज हो चुकी है, अभी सर्चू या ले जाके उसको चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि कल की राइड बहुत लंबी है, 250 किलोमीटर्स की राइड, उसमें तो मेरे ख्याल से 2 बैटरियाँ लग जाएगी मेरी। यहाँ जो लोग रहते हैं कितना चैलेंजिंग है यार उनके लिए, पानी इतना ठंडा, बट आई थिंक वो यूज टू हो जाते हैं। सब कुछ तो नेचुरल है, पानी हवा, हवा तो नहीं कह सकते, ऑक्सीजन तो कम है यहाँ पर, बट तब भी टफ है, यहाँ टफ कंडीशन रहने के लिए। थोड़ी सा ऑफ रोड शुरू हो गया वो तेरी, वहाँ तक रोड ही नहीं है, रोड बन रही है इनफैक्ट। ये वाटर क्रॉसिंग छोटी सी है, ये तो निकल जाएंगे आराम से। वो देखो पानी का फ्लो नीचे, धूल मिट्टी खाने के लिए रेडी हो जाओ।
ओह भैया हो गई तो आराम से। ये देखो पहाड़ कैसे कितने शार्प है जैसे। यहाँ पे ट्रक्स का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वैसे तो कोई ट्रैफिक था नहीं बट ट्रक्स का ट्रैफिक काफ़ी है। ऑब्वियसली सामान जाना पड़ता है, मेन हाईवे ले लद्दाख का जो कि मनाली को जोड़ता है ले से, तो ट्रैफिक तो होएगा, ट्रक्स का सारा सामान पहुँचाना वहाँ तक। बार बार ये हेलमेट ने मेरे खिसक खिसक के नीचे होता है, थोड़ा सा बड़ा हेलमेट मैंने मंगा लिया, थोड़ा सा छोटा होता ना तो परफेक्ट था। ये देखो बर्फ़ का पानी सारा बहते हुए जा रहा है यहाँ से, और कितना सही ड्रेनेज किया हुआ कि रोड के ऊपर नहीं आ रहा। ओ ये आइए ना वाटर क्रॉसिंग, अब आएगा मज़ा। ओए होए 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 स्पीड में निकालूंगा मैं। हालांकि इतनी डीप नहीं थी बट मैंने तो एक ही बार में एक ही झटके में ले लिया। अगर आप स्पीड में ना लो ना फिर आप गए, आप एकदम से रुक जाओगे फिर आपसे नहीं संभाला जाएगा। तो मैंने सनी को बोला तो मैं तो स्पीड में लूँगा, और वही स्पीड में लिया एकदम से आराम। अभी तो बहुत सारी रिवर क्रॉसिंग और आएगी आगे, जब ले की तरफ जाएंगे वहाँ पे एंड ले से आगे जब जाएंगे नोबरा, वो है असली ऑफ रोड जो कि सुनने में आया जो एक ग्रुप गया 100 किलोमीटर का ऑफ रोड है, 100 किलोमीटर का कोई रोड ही नहीं है, उसमें हालत ख़राब होगी है। एंड वहाँ पे काफ़ी सारी ख़तरनाक रिवर क्रॉसिंग है क्योंकि दोपहर का टाइम है, वो भी मेल्ट हो रही है स्नो। तो उससे क्या होता है कि रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वाटर क्रॉसिंग और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। ख़तरनाक तो नहीं, चैलेंजिंग कहना चाहिए क्योंकि मज़ा आता है। अब आएगी लेक, आई थिंक सूरज ताल या दीपक ताल आने वाली होगी। कच्चे पहाड़ ने तो ये पत्थर रोल रो के देखो ये भी गिरा हुआ, जल्दी से निकलो इस तरफ से। अब देखो आपको वेजिटेशन ही दिखेगी, बहुत कम हो गई है, बहुत कम ना के बराबर हो गई है। तो जैसे ही हम सरचू जाते रहेंगे ज़ीरो वेजिटेशन, कोई पेड़ पौधा नहीं है, जर चुके हैं आगे एंड पीछे 10 किलोमीटर तक, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, काफ़ी कम है। ये अब आई थिंक आया है कैफ़े जहाँ पे हम रुकेंगे, जिंग जिंग बार है कौन सा पता नहीं, वही बोल रहे थे माशम ने तो बोल रहे थे कि जिंग जिंग बार में रुकेंगे, आई थिंक वही होएगा, सारी बाइक्स रुक रही है। अब यहाँ पर खाएँगे पियेंगे बढ़िया सी जिंजर लेमन हनी टी पीनी हो जाए, उससे बंदा पूरा रिफ्रेश हो जाता है। और व्यू देखो, व्यू का एंजॉय करो, क्लियर क्रिस्टल ब्लू स्काई कहाँ मिलता है ऐसा। ये देखो गंदी सी बर्फ, ओ ये तो लेक है, सूरज ताल आई थिंक। पाँच दस मिनट रुके थे, सब लोगों ने फ़ोटो वोटो खिंचवाई एंड हमने चॉकलेट्स खाई, पानी पिया, ओरस पिया क्योंकि यहाँ पे पानी है, ओरस पीते रहना चाहिए क्योंकि आप गेन कर रहे हो हाइट, ऑक्सीजन कम होता रहेगा, आप डिहाइड्रेट भी होते रहोगे, तो इसलिए सॉल्ट्स की कमी नहीं हुई। हम मेगा से सबसे पीछे रह चुके हैं, हमारी बैकअप व्हीकल तो वो आगे जा रही है, तो थोड़ा सा कवर करके क्रॉस करना पड़ेगा। मोबाइल पड़ा हुआ है पॉकेट में, तो मैंने सनी को बोला एक बार चेक कर ले कि पॉकेट बंद है नहीं, क्या पता उछल के गिर जाए मोबाइल। अब आ गए हम बैकअप व्हीकल के आगे, तो अब कोई टेंशन नहीं तो कभी कभी आप पीछे रह जाते हो, नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पे, हमारा दीपक ताल में तो कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था।
क्या मैं तो बार बार यही बोलता रहूँ क्या नज़ारे, बट क्या वो करूँ जब है इतने अच्छे अच्छे जब तक है जान वाली फीलिंग नहीं आ रही, वो तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ तेरी हंसी की परवाह की उसका क्या, वो वाला रील शूट करने का मन कर रहा है। और ये देखो आर्मी कैंप, वेव करते पूरे सब, मज़ा आता है जब आप ऐसे बीआरओ के कैंप्स आर्मी के कैंप्स क्रॉस करते हो। अब आ रही है लेह लद्दाख वाली फील। वैसे रास्ते जो हमने इतने सालों से वीडियोस में देखे थे यूट्यूब के, कभी किसी के कभी किसी के, वो सब जब आप एक्चुअल में देखते हो ना अलग ही फीलिंग है। वाह यार क्या व्यू है, गजब एक नंबर। ये काम चल रहा है वही लैंडस्लाइड रोकी है तो इसको पक्का कर रहे हैं, बड़ा दाद देनी चाहिए इनकी हिम्मत की ऐसे ऑल्टीट्यूड पे काम करना। हम तो हल्का सा कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप बाइक से भी उतरो तो सांस फूल जाती है। वो देखो नदी जा रही है, वाह 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 क्या व्यू है, मज़ा। हम यहाँ पे पिछले 15 मिनट से बैठे, एक बाइक ख़राब हो गई है, कल एक बाइक में प्रॉब्लम आ रही थी फ्यूल इंजेक्टर की, दूसरी बाइक में फिर से प्रॉब्लम हुई है, तो मार्शल गए देखने। आधा घंटे का ब्रेक है, रात के प्रोटीन बार खाया जा रहा है, व्यू देखा जा रहा है। तो भाई मार्शल आ गए, अब हम निकलेंगे, ये रही मेरी बाइक, बैठ जा तू पहले फिर मैं बैठूँगा, इसमें बैठना भी एक टास्क है। सो वी आर अप्रोचिंग बारालाचा। वाटर क्रॉसिंग आगे एक और है, आई थिंक थोड़ी एक बाइक गिर गई है वहाँ पे, और डिसबैलेंस हो जाते हैं ना कि पत्थर पता नहीं कि कितने डीप है, ऐसा नहीं किया, पीछे उसका ग्लव छूट गया था, मिल गया, पॉकेट में रखने की नहीं जगह थी, मैं वहाँ पहुँच गया था जब एकदम जानी थी, मैं यहाँ से अंदर डाला। कौन गिर गया इधर से इस तरफ से, यहाँ से लेफ्ट से निकालो ना, जाने दो बोल रहे, मजा आ गया बहुत ज़्यादा पत्थर थे यहाँ पे। ओ, ओ, ओ। हाँ
खा लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं पीस कैफे एंड यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है चार चाय एंड मैं लेने वाला हूँ जिंजर हनी टी लेमन इनका हनी टू भी वही लेगा जिंजर हनी टी दो बोल दिए चॉकलेट्स भी ले ले ये है सूरज ताल लेक। हम शायद 5000 मीटर्स 16-17,000 फीट पे। देखो उधर ना उतर जाना सिंगल ये हम फाइनली पहुंच गए बारलाचला पास। ये देखो एंड ये है 4850 मीटर की हाइट पे। मज़ा आ गया, क्या व्यू है, जन्नत है ये जगह, जन्नत। पास 4850 मीटर की हाइट पे अब हम यहाँ से निकल गए। अब हम यहाँ से उतरेंगे नीचे तो ये देखो व्यू अमेजिंग, मजा आ गया, सब कुछ वाइट ही वाइट, पूरा कवर्ड है स्नो में। वाह, यहाँ थोड़ी थोड़ी सांस फूल रही है इसलिए हमारे मार्शल लीडर ने बोला है कि 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, बट लोग खड़े हुए फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे। ऐसे बैठ के इतना ज़्यादा नहीं पता चलता, बट जब आप हल्का सा एग्जर्ट कर लो बाइक से उतर गए या चल के गए तब थोड़ा सा फील होता है। चेंज हो रही है बाइक, बारलाचला पास। अब यहाँ से घूम के हम आई थिंक नीचे जाएंगे। यार मेरा बड़ा मन कर रहा था कि बर्फ़ पकड़ लूँ एक बार, बट वो हुआ नहीं। अभी जाते नीचे अगर रुकेंगे ना तो करते। वैसे तो बहुत बर्फ़ आनी है भाई अभी आगे रूट पे। ठंडी ठंडी हवा लग रही है मुंह पे, इसको नीचे कर लेता हूँ वाइजर को। यहाँ तो मैं गोप्रो बंद करने का मन ही नहीं है बिल्कुल भी, ये पूरा कवर करूँगा चाहे बैटरी ख़त्म हो जाए। वैसे कि मैंने अभी जिंग जिंग वार में रुक के बैटरी चेंज की है। एक और छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, ये जो बर्फ़ पिघलती है ना तो रोड पे बहुत ज़्यादा ऐसे पानी इकट्ठा हो जाता है, स्पेशली दोपहर के टाइम। ये आई है छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, निकाल लेंगे ऐसे तो। सिंगल जा रहे हैं क्या सब? चलो उतर जा।
मजा आ गया। ये एक का स्टैंड खुला है, लूज हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टफ है उनके लिए। वो पहले स्टैंड बंद करेंगे एंड देन क्रॉस करेंगे। वो प्रॉपर ऑफ रोडिंग हो गया आज तो। ये देखो सामने खड़े होके चला रहे, इनको तो प्रैक्टिस है, हम नहीं कर सकते। पता नहीं कितने सालों बाद मैं बाइक चला रहा हूँ, 5-6 साल बाद, और जो उससे पहले भी चलाई थी वो भी बहुत थोड़ी, केरला में एक बार चलाई थी, नहीं एक बार मनाली में भी चलाई हुई है, बट हाँ ये तो अलग ही चीज़ है। एक और आ गई छोटी सी क्रॉसिंग, वही आफ्टरनून के टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्रॉसिंग होती है। ये भाई तो खड़े होके क्रॉस कर रहे हैं, हमारे मार्शल भी खड़े होके, इनफैक्ट वो तो डुअल राइडर है, वो तब भी वो खड़े होके रोड क्रॉस वाटर क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं। कितनी ऊंची ऊंची बर्फ़ है देखो, 10-10 फीट की बर्फ़ है। एक और ऑटो क्रॉसिंग आ गई, ये थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा है आई थिंक पानी का फ्लो, हो जाएगा साइड से ले जा लूँगा। हाँ लेफ्ट लेफ्ट से जाना है। पीछे देखो, पीछे लोग, यहाँ के लोकल लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बड़ी हिम्मत है ऐसे वेदर, ऐसे एक्सट्रीम वेदर, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में ये वॉलीबॉल खेलना। हमारी तो बात कर करके सांस फूल जाती है। अभी रुकेंगे यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे जाके हमारे कैंप से, फिर वहाँ जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली हम फोटोशूट के लिए रुके थे। पहुंच गए फाइनली सचू, यहाँ पे नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं है, ना हम फ़ोन कर पा रहे घर पे। एंड ये पीछे आप देखो, ये हिमालयन कैंप्स, ये है हमारे कैंप्स पीछे। अभी बस डिनर टेबल पे बैठे सब लोग, जब तक हमारे रूम्स एलोकेट नहीं होते। ड्राइव बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया, होपफुली आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो अभी मेरी फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, गोप्रो तो पूरा डेड हो चुका है, 3 बैटरीज डेड हो चुकी है। तो अभी जाएंगे, थोड़ी सी सांस फूल ली, थोड़ी रेस्ट करेंगे, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ अगर हिम्मत हुई तो।